नया साल 2022 शुरू हो चुका है। दुनिया भर में सभी ने पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया। ये साल सभी के लिए खुशियां लेकर आए, इसी दुआ के साथ लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इसी बीच एक बुरी खबर सामने आ रही है। हॉलीवुड और टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस बेटी वाइट का निधन हो गया है। वो 99 साल की थी। बेटी ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत द गोल्डन गर्ल्स और द मेरी टायलर मूर शो से की थी। टीवी के इतिहास में वो सबसे ज़्यादा काम करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। उनके निधन के बाद से ही हॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर दुख जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर शोक जताया है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को वो अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेटी वाइट को उन एक्ट्रेसेस में गिना जाता है जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से एक अलग पहचान बनाई। जन्मदिन के ठीक 18 दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर को उनका निधन हुआ। एक रिपोर्ट की माने तो शुक्रवार को सुबह उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। बेटी ने 80 के दशक में टेलीविजन शो में अपने अभिनय से सभी को इम्प्रेस किया था। बेटी ने अपने करियर की शुरुआत 1939 में की थी और इस दौरान पॉपुलर टीवी शो द गोल्डन गर्ल में नज़र आई थी वो। और इसके बाद आपको बता दें कि कई फिल्मों में काम किया, कई टीवी शोज़ में काम कर चुकी हैं। बेटी वाइट को प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, अमेरिकन कॉमेडी अवार्ड्स, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स से नवाजा गया है। उन्हें उनके शानदार करियर और हॉलीवुड में दिए उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। उनके निधन पर दुख जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं और जिल बेटी वाइट को बहुत याद करेंगे। बेटी ने बचपन से लेकर अभी तक अमेरिकी लोगों के लिए बहुत काम किया है। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।